तो पहला महाकाशाय कौन सा है? आप चाहिए तो सड़क संहिता साथ में रख सकते हैं। अभी इसमें बहुत एक एक चीज पर बहुत डीप में बताया जा सकता है। मैं आपको सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ताकि आप उसको कोरिलेट कर पाओ, माइंड मैप्स बना पाओ और ज्यादा अध्ययन कर पाओ और मुझसे भी बेहतर किसी और को समझा पाओ ये सब चीजें। राइट, एक्सेलेंट। सो जो लोग नए जुड़े हुए उनके लिए, महाकाशाय मंदानाम व्यवहाराय बुधानाम बुद्धि वृद्धये, ये भगवान चरक कहते हैं। मंद लोगों के लिए, प्रैक्टिस के लिए, जिससे ज्यादा बुद्धि नहीं है, जो खुद को मंद समझते हैं, बंद बुद्धि के समझते हैं, दे कैन डायरेक्टली यूज महाकाशाय, जैसे है वैसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है या अभी अभी वैद्य हुआ है, उसके पास कोई पेशेंट आता है, सर पेट में काफी दर्द होता है, भूख नहीं लगती है, ही कैन इमिडिएटली यूज शूल प्रशमन महाकाशाय, दीपन या महाकाशाय, उसमें से जो मिले द्रव्य दो चार मिक्स करके काढ़ा बना दो, चूर्ण बना दो, जो मर्जी मिला के दे दो, रिजल्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो वैसे भी काम करते हैं। और आपके पास, गजब की बात यह होती है कि जैसा आपका स्तर होता है ज्ञान का, वैसे ही पेशेंट आपके पास आना शुरू होते हैं। आप यदि मंद या बंद बुद्धि के होंगे तो आपके पास वैसे ही पेशेंट आएंगे जिसको कम से कम रिलीफ की ही आवश्यकता है। आपका स्तर जब बढ़ता है तब आपके पास हायर हायर लेवल के पेशेंट आने शुरू हो जाते हैं। और जब उसके भी आगे की बात है, यदि आप में सिद्धि मिलना शुरू हो जाता है आपको चिकित्सा में, तो ऐसे कुछ पेशेंट आना शुरू हो जाते हैं कि जो आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान है, मैं इसको तो ऐसे ट्रीट कर दूंगा, प्रतीक्षा का पेशेंट है ना, आराम से कर दूंगा। और अब जाओ जो मर्जी कर लो, उस पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाते हो जिसे आप इजीली कर पाते थे कभी, तो वो आपको चोट देने के लिए आते हैं, आपकी ईगो को, अहंकार को ठेस करने के लिए ऐसी चीजें होती रहती है। राइट, सो अलग अलग स्तर है, महाकाशाय को हमें समझना है। तो एकदम कॉमन से कॉमन मंद वैदिक व्यक्ति भी उसे समझ सके, दे सके, ऐसा भी है। और हमें हमारी कंटिन्यूस प्रज्ञा विशुद्धि कर कर खुद को इस लेवल तक भी पहुंचाना है कि हम केवल 10 द्रव्यों 30 द्रव्यों के आधार पर प्रैक्टिस कर सके, और वो भी ऐसी वैसी प्रैक्टिस नहीं, सुपर स्पेशलिटी प्रैक्टिस, कैंसर में प्रैक्टिस, आईसीयू में प्रैक्टिस, हार्ट डिजीज में प्रैक्टिस, ऑटो इम्यून डिजीज में प्रैक्टिस। दिस पावर इज देयर इन दो श्लोकास। ओके, सो जीवनीय महाकाशाय, जीवन कर्म किसका है, जीवन कर्म मतलब क्या है, और कहाँ कहाँ पर जीवनीय महाकाशाय आप यूज कर सकते हो आपके हिसाब से, जल्दी जल्दी बताइए। मैं आपको अभी इस पर फटाफट चीजें बताते जाऊंगा, कुछ शायद जितनी आपको एब्सॉर्ब होगी उतना एब्सॉर्ब कर लीजिए, बाकी इसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा बाद में, सो यू कैन गेट देयर। जितना आप जल्दी जल्दी टाइप करोगे उतना हमें ज्यादा से ज्यादा कवर करते आएगा। इफ यू डोंट टाइप आई फील दैट यू आर नॉट इन्वॉल्व, और सो तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। सो एटलीस्ट मुझे 2-3 भी रिप्लाई आ गए, तो येस वेरी नाइस पायल मैम, रस शुक्र विकार में। राइट, जीवन में किसका काम है, रक्त का काम जीवन है फर्स्ट ऑफ ऑल। राइट, अभी यदि रक्त का काम जीवन है तो सुश्रुत सूत्र स्थान 14 में कहते हैं धातु नाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते, किसी भी धातु का क्षय हो रहा है, वृद्धि हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं शोणित रिस्पॉन्सिबल है। ओके, वर्ड देखिए क्या यूज किया है, शोणित, रक्त वर्ड यूज नहीं किया है, प्राणो ही शोणितम अनुवर्तते, फिर से शोणित, शुक्र शोणित जीव संयोगे खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा, अगेन द वर्ड यूज इज शोणित, रक्त वर्ड यूज नहीं किया है। राइट, तो शोणित मतलब क्या, तो जो चीज कन्वर्टिंग फेज में है या जो चीज किसी में चेंज हो रही है, परिवर्तित हो रही है, वहां पर शोणित शब्द यूज किया है। शुक्र शोणित संयोग होने से आगे गर्भ निर्माण होने वाला है, तो शोणित एक रक्त की अवस्था है, एक रक्त ही है लेकिन एक प्रकार का कन्वर्टिंग फेज वाला रक्त है। तो जब जब ऐसा अपेक्षित है कर्म, वहां पर शोणित कर्म यूज किया जाता है। और प्राणों ही शोणितम अनुवर्तते, प्राण जो है, ऊर्जा है, शक्ति है, जो भी कुछ है, वो इस शोणित के माध्यम से काम करती है शरीर में। तो किसी भी चीज का यदि निर्माण करना है तो उसके लिए 2 धातुओं की जरूरत होती है, एक तो रक्त, दूसरा है शुक्र। रक्त जो है वो चेतना देता है किसी धातु में, प्राण फूंकता है, और शुक्र जो है वो मल्टीप्लीकेशन करता है, निर्माण करने का काम साक्षात करता है। तो ऐसी कहाँ कहाँ पर हमें जरूरत होगी, हर चीज में इसकी जरूरत है देखा जाए तो, कहाँ पर निर्माण करना जरूरी नहीं है, हेयर फॉल है निर्माण लगेगा, डायबिटीज है, इंसुलिन के रिसेप्टर्स कम हो रहे हैं, यू नीड टू निर्माण करना पड़ेगा, मात रक्त है, ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है, वैस्कुलर नेक्रोसिस है, ब्लड सप्लाई उधर नहीं जा रहा है, हर एक जगह पर जीवन है, तो बस खत्म हो गया खेल। हर जगह यदि जीवन है तो फिर इतने महाकाशाय की क्या आवश्यकता है, एक जीवन यही काफी है। जहाँ जहाँ पर चेतना देनी है, जहाँ जहाँ पर नया कुछ निर्माण करना है, आयुष्य का वर्धन करना है, वहां पर जीवन यही काफी है, तो फिर इतना क्यों बता दिया।
राइट, प्रश्न पढ़ना चाहिए ना हमें, ऐसा क्यों है फिर? या मैंने उस दिन संधान या महाकषाय पे एक लेक्चर दिया था कि संधान या महाकषाय अपने आप में एक परिपूर्ण महाकषाय है, इतनी चीजों में वो काम करता है, इनफ है ना? फिर इतना क्यों बता दिया, इतना क्यों हमें भ्रमित कर दिया, इतना सारा कुछ बता बता के? जल्दी जल्दी बताते चले जाइए चैट बॉक्स में आपका जो भी कुछ अभिप्राय है। राइट, थिंक व्हाइट इज सो। ये मंद बुद्धि के लिए ठीक है ये संकल्पना कि जीवन देना है वहां पर। अब इसको हमें, ये सामान्य सिद्धांत हो गया। एग्जैक्टली एक हो गया, देश के हिसाब से अलग अलग द्रव्य मिलते हैं इसलिए अलग अलग उसकी सोच होती है। देश शब्द से दो अर्थ होते हैं, रुग्ण देश भी और जहां पर आदमी व्याधि पीड़ित होता है वो देश भी। तो उस हिसाब से अवेलेबिलिटी ऑफ द्रव्य भी अलग है और शरीर में अलग अलग अंग प्रत्यंग है, 56 अंग प्रत्यंग है, तो हर एक का गामित्व है द्रव्य का, एक द्रव्य विशेषत्व से वहां काम करता है। जैसे मान लीजिए अभी जीवनीय में कौन से द्रव्य आते हैं, यष्टि मधु आता है, जीवंती आता है, तो जीवंती चक्षुष विशेष है, मधु यष्टि मधु चक्षुष विशेष है, मुद्ग पर्णी जो है किसी का ये चालू है, प्लीज म्यूट कीजिए, तो यष्टि मधु चक्षुष है, जीवंती चक्षुष है। यदि आपको चक्षु में जीवन कर्म अपेक्षित है राइट, तो वहां पर यष्टि मधु और जीवंती यूज करोगे। आप कब यूज करोगे, स्वप्न काल में यूज करोगे। तो जितना आप उसको सूक्ष्म सूक्ष्म लेके जाओगे वहां पर उसका गामित्व बढ़ेगा। मुद्गपर्णी, मुद्गपर्णी बात रक्त विशेष शब्द आया है उसकी फलिश। हेलो सर, डॉक्टर गौतम कौन है, उन्होंने ऑन किया हुआ है। हाँ गौतम सर, आवाज सुन रहे हैं? तो इन द्रव्य में हमको क्या करना है, इन द्रव्यों से हमें अवयव ढूंढने हैं। ये एक सिंपल एक्सरसाइज आप कीजिए, एक नोटबुक बनाइए और उसमें एक एक पेज, एक रजिस्टर लीजिए बड़ा और एक एक पेज छोड़ दीजिए। एक पेज पे रुद्ध लिख दीजिए, दूसरे पेज पे वृष्य चक्षुष्य वृक यकृत प्लीहा कटी, इस प्रकार के जो जो अंग प्रत्यंग अवयव आपको ज्ञात है पता है उनके सिर्फ नाम लिख दीजिए, बस्ती। और फिर आपको ये द्रव्य ढूंढने हैं। आपको भाव प्रकाश से पहले तो अध्ययन करना है। भाव प्रकाश इज द क्लोजेस्ट पर्सन ऑफ टू अंडरस्टैंड द द्रव्य गुण ऑफ चरक संहिता। बाकी भी है, राजनिगंटु है, धन्वंतरी निगंटु, लेकिन भाव प्रकाश इज द क्लोजेस्ट, उसको ज्यादा हम ये मान सकते हैं। जीवनीय द्रव्य अवेलेबल है या नहीं तो कॉन्ट्रोवर्सियल भी है, तो इसलिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि जीवक ऋषभक मिलते तो है, लेकिन जीवक ऋषभक का प्रतिनिधि विदारी बता दिया है, मेधा महामेधा का शतावरी बता दिया है, काकोली क्षीर काकोली का अश्वगंधा मुद्गपर्णी माशपर्णी तो मिलता ही है, और नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यष्टि मधु हमारे पास है। तो यष्टि मधु जीवंती अश्वगंधा शतावरी विदारी, इनफ, पांच द्रव्य जीवनीय काफी हो गए। आप चाहिए तो आपकी बुद्धि से इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब आपको विजुअलाइज करना है कि ये द्रव्य कहाँ कहाँ पर काम करेगी। एक सपोज विदारी ले लिया, तो आपको विदारी में जाना है, भाव प्रकाश में देखना है और जिस प्रकार से अपने अंग प्रत्यंग सब लिखे वहां पर उसको लिखना है, और फिर वो संप्राप्ति भेद किस प्रकार से कर सकता है आपको ये सोचते चले जाना है। जैसे विदारी उठा लिया, तो विदारी विदारी से विदार आदि गण आता है वाग्भट में, उसकी फलश्रुति है विदार आदि अयम रुद्यो ब्रूहणो वात पित्त शोष गुल्म अंगमर्द उर्ध्व श्वास का हरोगण। अभी अंगमर्द एक वर्ड उठा लीजिए, गुल्म एक वर्ड उठा लीजिए, जो तो गुल्म क्या है ये फिर से आपको संप्राप्ति जब कभी देखेंगे तो डिटेल में देखेंगे। कोष्ठ में होने वाली कोई भी संप्राप्ति ये गुल्म है, कोष्ठ में होने वाला कोई भी शोथ जो है ये गुल्म है। फिर ये टॉन्सिलाइटिस ले लीजिए, गैस्ट्राइटिस ले लीजिए, एपिगैस्ट्राइटिस ले लीजिए, कोलाइटिस ले लीजिए, कहीं ना कहीं गुल्म है। ये मैं आपको एकांत सिद्धांत से कह रहा हूँ, इसमें अलग अलग पहलू आएंगे लेकिन कोर्सली इन अ ब्रॉड वे ये सब गुल्म है। तो यहाँ यहाँ पर इसका गामित्व हो सकता है, ये आपको विजुअलाइज करना है। यष्टि मधु चक्षुष्य वृष्य केश्य कंठ्य, वृष्य है ये, है ना? तो जहाँ जहाँ पर टेस्टिकल्स की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है वहां पर जीवन कर्म अफेक्ट हो रहा है, एजोस्पर्मिया है, स्पर्म की ग्रोथ नहीं हो रही है, वहाँ पर यष्टि मधु दे सकते हैं। इसका फंक्शनिंग बढ़ाना है आपको तो कब दोगे यष्टि मधु का, क्षीरपाक दोगे आप, खाने के पहले दोगे, इसमें और घृत डाल के दोगे ताकि उसकी एफिकेसी और बढ़ जाए। तो इन सब चीज़ों को आपको गामित्व का विचार, औषध सेवन काल का विचार ये ऐड करते जाना है, और बाकी भी जो 10 चीज़ें हमारी दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वया, इसके हिसाब से आप इसको बदल सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ग्रहण करना है उसका, ब्रूहन करना है, तो बृहत, ब्रूहन का मीनिंग क्या है, बृहत्वम यत् शरीरस्य जनये तच्च ब्रूहनम, शरीर के अणु परमाणु का विस्तरीकरण होना, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ना, ये ब्रूहन है।
मान लीजिए आपकी प्रैक्टिस में कोई पेशेंट आता है, बच्चा है 10-12 साल का, पेरेंट्स कह रहे हैं कि इसका वजन ही नहीं बढ़ रहा है। सिंपल चीज़ है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है पहले स्तर पे आपको, क्योंकि बेशक जब तो उसको पहले है, तो पहले आपको महाकषाय क्लिक होना हो जाना चाहिए, उसके बाद आप उसको हाइपरलिंक करते जाइए। जैसे हम गूगल में जाते हैं ना, कोई चीज़ हमें नहीं पेशेंट आ गया ये लक्षण बता रहा है, तो उससे आपको बेशक चतुष्क का पहले महाकषाय क्लिक हो जाना चाहिए। और फिर हम क्या करते हैं, उस चीज़ पे जाते हैं गूगल पे, वो सर्च करते हैं, फिर उसमें से कोई एक शब्द उठाते हैं, फिर उस पर क्लिक करते हैं, फिर उस पर से एक शब्द उठाते हैं क्लिक करते हैं, और हमारी पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। ठीक उसी तरह बच्चा है 10-12 साल का, वजन नहीं बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है ब्रूहणीय महाकषाय यूज करना है। तो ब्रूहणीय द्रव्य कौन से, क्षीरिणी, राजक्षवक, अश्वगंधा, काकोली, क्षीरकाकोली, वाट्याधनी, भद्रौधनी, भारद्वाजी, पयस्थी, ऋष्यगंधा इति दश्यमानी ब्रूहणियानी, राइट। इससे वजन बढ़ना चाहिए। अभी उसका अग्निमंद है सेकंड कंप्लेन, अभी क्या करोगे, ज्वाइन कर दो उसको दीपनीय महाकषाय के। अभी दीपनीय महाकषाय के द्रव्य कौन से है, पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्यक, चित्रक, शुंगवेर, अम्लवेतस, मरीच, अजमोदा, भल्ला, तकस्ती, हिंगू, निर्यासा इति दश्यमानी दीपनियानी भवन्ति। ठीक है, मतलब आपको दो कर्म करने पड़ेंगे। अब इसका अग्नि भी बढ़ाना है, अग्नि सिर्फ जठर अग्नि नहीं, भूताग्नि, धात्वाग्नि, मांसाग्नि, मेधाग्नि, हर प्रकार का भी अग्नि बढ़ाना अपेक्षित है। खास करके यदि उसका मांस क्षय दिख रहा है तो आपको मांस के ऊपर काम करना होगा, मांस का अग्नि बढ़ाना होगा या मेद का अग्नि बढ़ाना होगा। मांस और मेद ये दोनों मेन द्रव्य है, मेन धातु है जो ब्रूहण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी आपने ब्रूहण से मान लीजिए अश्वगंधा ले लिया, ठीक है, फिर दीपनीय में से आप क्या लोगे, इतने 10 में से पिप्पली पिप्पली मूल पूरा भी दे सकते हो आपके पास बटी है तो, लेकिन आप तीक्ष्ण बुद्धि प्रिसाइज ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो आप इसमें से पिप्पली चूज करोगे। क्यों, पिप्पली का विशेष गामित्व मेद पर है। पिप्पली की फलश्रुति यदि आप रसायन अध्याय में देखो तो पहला शब्द कार्श है, तो यदि आप उसको पिप्पली और अश्वगंधा इसका छिड़पाक दे दो तो वजन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा बताइए। सिर्फ ये सिर्फ मैंने एक सिंपल लॉजिक बताया आपको, इसमें और डिटेल में जा सकते हैं आप। यदि आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़ती है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता है पेशेंट देखने के लिए, 5-5 मिनट ही है आपको एक पेशेंट देखने के लिए, तो इतना लॉजिक भी काफ़ी है। यदि आपके पास बहुत समय है, आधा घंटा एक घंटा, तो आप उसको बहुत ही डिटेल में जाकर बता सकते हैं, राइट। टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू एग्री विथ मी, यू कैन ऑफ कोर्स डिसएग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आपको लगता है बताते चले जाइए। ग्रेट, सो इस प्रकार से आपको परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस करने होते हैं। फिर इसमें स्वरस, कल्क, हिम, कषाय, फांट, इन सबको भी आपको ऐड कर देना है। अग्नि अच्छा है, वात पित्तोत्तर अवस्था है, घृत कल्पना, क्षीर कल्पना, शिरपाक यूज कर सकते हैं, अग्नि अच्छा नहीं है कषाय यूज कर दीजिए। पेशेंट का साथ में क्या है वो देखिए, पेशेंट की पसंद क्या है, रुचि क्या है, उसके ऊपर से कल्पना जो है वो डिजाइन कीजिए और दीजिए। तो इसमें आप जितना मर्जी चाहे उतना प्रिसीजन ला सकते हैं, यू कैन बिकम महाकषाय एक्सपर्ट्स एज अ होल भी, और यदि आप कोई सुपर स्पेशलिटी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो भी आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। तो इन दो महाकषाय पे आपको कुछ, ठीक है, एक रेफरेंस और एक बता देता हूँ। ब्रूहण आप किस किस का करोगे, ये तो कार्य तो जाहिर सी बात है, इट्स वेरी लॉजिकल। और ब्रूहण किसको करना जरूरी होता है या किस अवस्था में करना जरूरी होता है, इसके लिए आपको सही था हंटिंग करना बहुत जरूरी है। अतीतावेक्षण तंत्र युक्ति, अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति, पीछे जाकर देखना, आगे जाकर देखना, ब्रूहण वर्ड कहाँ कहाँ पर आया है ना, तो आपको ब्रूहण के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस मिलेंगे। यस, राजयक्ष्मा, नाइस, वात व्याधि, वृद्धि, वेरी नाइस, ऑल ऑफ यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। अभी आपको सिर्फ एक रेफरेंस बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लंगन ब्रूहणी अध्याय, श्लोक क्रमांक 26, अध्याय क्रमांक 22, जिसके पास ओरिजिनल संहिता है पेज नंबर 121। क्षीणा, क्षता, कृशा, वृद्धा, दुर्बला, नित्यम अधवगाह, स्त्री मध्य नित्या, ग्रीष्मे च ब्रूहणिया नरास्पुदा, बस खेल खत्म। इतना आपको समझ में आ गया तो व्याधि देखिए, कंडीशन देखिए, कितने पेशेंट इस श्रेणी में आते हैं। क्षीण पेशेंट बहुत आते हैं, क्षीणज का, शतज का के काफी पेशेंट होते हैं, क्रूश तो है ही, वृद्ध पेशेंट भी, वृद्ध हर एक वृद्ध व्यक्ति यापणीय है, ब्रूहणीय है। दुर्बल, बहुत लोग उठकर कहते हैं कि सर सुबह उठकर उत्साह हानि होती है, आम की अवस्था भी, आम अवस्था की वजह से भी उत्साह हानि होती है, और किसी किसी को निराम अवस्था में भी होती है। तो जिसको निराम अवस्था में उत्साह हानि है, दुर्बल्य है, उसको आप डायरेक्टली ब्रूहणीय महाकषाय दे सकते हैं। जिसको साम अवस्था है वहां पर दीपणीय से उसका दौर्बल्य जाएगा, ठीक है। नित्य अधवगाह, अध्व सेवन, अध्व मतलब जो बहुत ज्यादा प्रवास करते हैं, ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट आपको मिलते हैं जो बहुत प्रवास कर रहे हैं, फिर वो गाड़ी से बोलो
या पैदल बोलो, मैराथन करने वाले, साहस करने वाले, ट्रेकिंग करने वाले बहुत लोग मिलते हैं, और बहुत सारे ऐसे लक्षण लेकर आते हैं अजीब अजीब, वो सब इस श्रेणी में आएंगे। स्त्री मध्य नित्या, स्त्री नित्या, विवाह का इतिहास हम पूछते नहीं है, घबराते क्यों है पता नहीं, विवाह का इतिहास पूछना ही चाहिए हर एक पेशेंट को, कितनी फ्रीक्वेंसी है, यदि मैरिड नहीं है तो मास्टरबेशन का इतिहास कितना है, भोजनोत्तर विवाह है या नहीं, भोजनोत्तर विवाह ये पांडु का सबसे बड़ा हेतु है, अजीर्ण अवस्था में विवाह ये बहुत व्याधियों का हेतु है, तो ये पूछना चाहिए। ठीक है, तो स्त्री मध्य नित्या, मध्य नित्य जो नित्य मध्य का सेवन करते हैं आप, उसका मध्य तो रोक नहीं पा रहे, लेकिन मध्य की वजह से ओजो क्षण ओजो नाश हो रहा है, तो वहां पर आप ब्रूहणीय यूज करोगे। ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु में तो सभी को ब्रूहण करना है ऐसा लिखा हुआ है, शिशिर ऋतु में हर एक को लंघन करना है और ग्रीष्म ऋतु में हर एक को ब्रूहण करना है, फिर चाहे वो प्रमेह का क्यों ना पेशेंट हो, ग्रीष्म ऋतु आया है तो उसको उस ऋतु में बल देने की अपेक्षा है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में आप उसको ब्रूहण दीजिए प्रमेह के भी पेशेंट को। ये अवस्थिक चिकित्सा होती है, प्रमेह है इसका मतलब उसको जीवन भर कटु तिक्त कषाय ही देते रहिए ऐसा नहीं है। यदि आप अष्टांग संग्रह देखो तो उसमें उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है कि प्रमेह की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, बल्य दीपनीय इस प्रकार से उन्होंने पूरा उसमें दिया हुआ है कि बल्य महाकषाय का भी उसमें बहुत ज्यादा रोल है प्रमेह में। राइट, आर यू विथ मी अप टिल नाउ? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस, फैंटास्टिक। ये मीटिंग एक 5 मिनट में बंद होने वाली है, तो आप फिर से 5 मिनट्स के बाद, जिसको भी ज्वाइन करना है फिर से तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद हम बात के 5 महाकषाय और कुछ दूसरी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो अभी इतने ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, या हम जो महाकषाय आज देखने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे आपको, जैसे जीवनीय, ब्रूहणीय, भेदनीय, लेखनीय, संधारणीय और दीपनीय, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होगा आपको तो पूछ सकते हैं, मैं नोट करके रखता हूँ और सेकेंड सेशन में मैं आपको विल गो इनटू इट, मेरे हिसाब से भी बताऊंगा और फिर आपके क्वेश्चंस के हिसाब से भी बताऊंगा। हेलो सर। यस यस मैम। मैं दीपिका बोल रही हूँ। जी जी सर, दीपनीय में स्पेसिफिकली हम ऐसा हर एक पेशेंट को अलग अलग दीपनीय द्रव्य किस प्रकार से देंगे? यस, मतलब हर एक पेशेंट की कंडीशंस अलग होंगी। बिल्कुल, मतलब दोषों की अवस्था, गुणों की अवस्था, उस शरीर में गुणों की प्रोपोर्शन रहेगा, तो हम उस टाइम पे ड्रग सिलेक्शन कैसे करेंगे? राइट राइट, अब इसमें लिए सबसे बेस्ट थिंग इज माइंड मैप। आपको सेंटर लेना है, लैंडस्केप पेपर लेना है, सेंटर में दीपनीय महाकषाय लिख देना है और उसके 10 द्रव्य 10 दिशाओं में लिख देने हैं, पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्यक, चित्रक आदि आदि लिख देना है। अभी हर एक का सामान्यत्व हो गया, दीपनीय सामान्यत्व है सब में, लेकिन हर एक द्रव्य में गामित्व विशेष होगा, तो हमें वो गामित्व विशेष ढूंढना है। कहाँ से ढूंढना है? भाव प्रकाश में ढूंढना है। भाव प्रकाश देखिए और उसके हिसाब से अलग अलग चीज़ें आपको सिर्फ नोट करते जानी है, पिप्पली की अलग चीज़ क्या है, पिप्पली मूल की क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अम्लवेतस, अम्लवेतस दीपनीय महाकषाय में आया हुआ है, और अम्लवेतस कहाँ कहाँ पर आया हुआ है ये आपको ढूंढना है। अम्लवेतस को अत्यम्ल बताया गया है, ये एक फिर से ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ अम्ल नहीं है अम्लवेतस, अत्यम्ल है, श्वासहर है, रुद्य है, दीपनीय तो है ही, भेदनीय, दीपनीय, अनुलोमिक, अग्र है, तो आपको चरक सूत्र 26 में भी देखना है, सॉरी चरक सूत्र 25 में भी देखना है, रुद्रोग, शूल, गुलमग्न इस प्रकार का भी है। तो आप बताइए अम्लवेतस जो दीपनीय का है आप कौन सी क्लिनिकल कंडीशन में यूज कर पाओगे इस नॉलेज के बेसिस पे? अभी श्वासहर है, रुद्य है, अभी हमने चश्मा पहना हुआ है दीपनीय का, लेकिन हम उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स भी देख रहे हैं। राइट, वेरी नाइस आंसर्स ऑल ऑफ यू आर गिविंग। हार्ट डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, श्वास है, रुद्ध है, प्राणव स्रोत पे उसका काम होने वाला है, दीपनीय है, भेदन है, अनुलोमिक है, अनुलोमिक मतलब पेट साफ करना इसी अर्थ में नहीं, तो वायु की गति अनुलोमित करता है, और भेदन में तो साक्षात पुरुष को भी तो प्रवर्तन करता है, भेदन है और लघु भी है। रुद्रोग तो साक्षात उसकी फलश्रुति में आया है, गुलमग्न और शूल भी वर्ड आया हुआ है। तो MI के पेशेंट में आप यूज करोगे क्या नहीं करोगे? डेफिनेटली यूज करोगे, है ना, यू हैव टू यूज इट, यू कैन यूज इट। और एक विशेष उसका ऐसा है कि लघु है, MI के पेशेंट में अम्ल रस आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो, जहाँ जहाँ पर गुरु गुण है तो इसमें लघु गुण है, तो जहाँ जहाँ पर गुरु गुण की वजह से आपको संप्राप्ति दिख रही है कि पेशेंट ने मधुर रस अधिक सेवन किया हुआ है,
सेडेंटरी जॉब है और ऐसा पेशेंट एमआई में लैंड हो रहा है या एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो उसको आप अम्लवेतर जैसा द्रव्य वेदन लघु दीपन आदि सब गुण के लिए दे सकते हो, राइट। वैसे ही कंडीशन श्वास में आएगी, सीओपीडी में आएगी, तो सीओपीडी में भी ऐसे ऐसी केस इसमें आप उसको यूज कर पाओगे। वैसे ही पिप्पली मूल है, पिप्पली मूल एक बहुत ही खूबसूरत द्रव्य, ये कल्प आप नोट करके रख लीजिएगा, ये वृंद माधव में आया है, रुद्रोग में सिंपल कल्प है, बहुत ही छोटा सा, एला और पिप्पली मूल। बहुत बड़े बड़े कल्पों की आवश्यकता नहीं होती है, बड़े बड़े लॉजिक की आवश्यकता होती है। एला पिप्पली मूल रुद्रोगनाशन, बंगसेन कहते हैं, वृंद माधव नहीं बंगसेन, एला और पिप्पली मूल। पिप्पली मूल क्या है? दीपनीय अनाह प्रशमनानाम, दीपनीय पाचनीय अनाह प्रशमनान, अग्र है, भेदी है, तीक्ष्ण है, भेदने तीक्ष्णः, फिर से तीक्ष्ण गुण का कर्म, श्लेष्म संघात नाशन, विशेष फलश्रुति आई है भाव प्रकाश में, प्लीहा वृद्धि पे इसका काम होता है। सीसीएफ के बहुत सारे पेशेंट देख लीजिए, यकृत प्लीहा वृद्धि साथ साथ दिखती है, राइट। तो आप उसको रुद्रोग के ऐसे ऐसे कंडीशन में आप उसको दे सकते हो, सीसीएफ से लेकर पेरिकार्डाइटिस से लेकर एंजाइना पेक्टोरिस ले लीजिए, इश्केमिया ले लीजिए, आईएचडी ले लीजिए, आप इस लॉजिक से उसको यूज कर सकते हो, राइट। तो जितना आप इसमें डीप जाओगे उतना आपको प्रिसीजन आ जाएगा, और आपने एक बार खुद का माइंड मैप बना दिया तो आपको उसको याद करने की ही जरूरत नहीं होती। जब आप माइंड मैप बना देते हो तो इतना ब्यूटीफुल बनता है वो कि इट इज इन योर मेमोरी फॉर लाइफ टाइम। या आप उसको सिर्फ ऐसे 4-5 पेजेस आपके डेस्क के नीचे भी रख दिए क्लिनिक में, एंड इवन इफ यू लैमिनेट इट एंड जस्ट लुक इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट ऑल्सो, तो उसको बुरा नहीं लगेगा, वो ऐसा नहीं सोचेगा कि इस वैद्य को कुछ नहीं आता है, वो सोचेगा कि वाह ही इज इन सच अ लर्निंग मोड, ये सीखते हैं, हमें देख कर भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ही वॉन्ट्स टू गिव अस प्रिसाइज मेडिसिन, सो यू कैन डू दिस, दिस नथिंग रॉन्ग इन इट, राइट। अभी आपको होमवर्क ऐसा है कि एक मुस्तादी गण आया है वाग्भट में, तो उसमें 13 द्रव्य आए हैं, और मेरे लॉजिक के हिसाब से ये 13 द्रव्य 13 अग्नियों पे काम करते हैं, तो आपको ये ढूंढना है कि दोषाग्नि पे कौन से, धात्वाग्नि पे कौन से, और मलाग्नि पे कौन से, इस प्रकार से एक विचार किया जा सकता है। पंचमहाभूतों के भी अपने अपने अग्नि है, बहुत सारे ऐसे द्रव्य है, जैसे मृद भक्षण पांडु है, तो मृद भक्षण पांडु में होता क्या है, पार्थिव मृत्तिका जैसा द्रव्य वो शरीर पचा नहीं पा रहा है क्योंकि वो निरेंद्रिय द्रव्य है, तो मृद भक्षण पांडु में एक योग आया हुआ है, उस योग से कुछ द्रव्य दीपनीय के हैं, यानी जहाँ जहाँ पर मिट्टी है उसका पाचन कराना और उस मिट्टी को बाहर निकालना ये काम करेगी। आज हम बहुत सारे पेस्टिसाइड्स केमिकल्स युक्त पदार्थ खा रहे हैं, उसकी वजह से भी बहुत स्तर पर अग्नि मानते हैं, तो यदि आपको उस पर काम करना है तो आपको दीपनीय द्रव्य जो मृद भक्षण पांडु में आए हुए हैं वहां से उसको देखना होगा, राइट। सो इन दिस वे यू कैन डू वंडरफुल वंडरफुल एनालिसिस विथ महाकषाय, और ये मैथ्स है, प्योर मैथ्स है, मज़ा भी आएगा इसमें, हर्ष भी है। और अब भी मैं आज इस लेक्चर के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो एक पेशेंट का फ़ोन आया, पुराना पेशेंट था मेरा, उसको रीनल कोलिक हो रहा था और 4.1 mm का अश्मरी था, एंड डोंट नो, मैं एरेंड पढ़ रहा था उस वक्त, और भाव प्रकाश से एक रेफरेंस मुझे उस समय आया कि एरेंड के जो कोमल पत्ते होते हैं वो बस्ती शूल हरम परम है, और एरेंड भेदनीय महाकषाय में भी है, तो मैंने उनको अपान काल में उन एरेंड कोमल पत्तों का कषाय एरेंड तेल डालकर लेने के लिए कहा, क्योंकि एरेंड तेल लेने से फिर से शूलहर होगा और मूत्र वह स्रोतस पे उसका गामित्व बढ़ेगा, भेदन भी होने में मदद होगी, और साक्षात बस्ती शूलहरम परम है, और उसमें अजमोदा भी डालने के लिए कहा क्योंकि अजमोदा का फिर से गामित्व बस्ती पर है। सो इन दिस वे जस्ट इमेजिन व्हाट यू कैन डू विथ महाकषाय, स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, इतना प्रिसीजन आप उसमें ला पाओगे, राइट। आई थिंक दिस मीटिंग इज गोइंग टू एंड इन 2 मिनट्स, तो हम लोग बंद करते हैं और 5 मिनट्स के बाद आप फिर से लॉग इन कीजिएगा। थैंक यू, कुछ पूछना है तो पूछिए, तब तक अपने आप बंद हो ही जाने वाला है वो। समझ में आ रहा है आपको, मैं थोड़ा फास्ट जानबूझ के ले रहा हूँ, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट इन टाइम, एंड आई हैव नॉट गिवन एनी ऑफ प्रेजेंटेशन, कुछ भी नहीं रखा है स्लाइड शो, सो दैट यू कैन विजुअलाइज इट, और चरक सहित आपके पास है ही। बस हमें सब धागे को जोड़ना है, अध्ययन माइंड मैप पे बना लेना है, और
इस प्रकार से काम करते चले जाना है, और आप वो जब बुक बनाओगे इमिडिएटली एक बार स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा फिर से शांत हो जाते हैं, वाइब्रेशंस प्योर होना जरूरी है ताकि ज्ञान ग्रहण हो पाए ठीक से। चरक संहिता जैसी खुली हुई है वैसे ही बंद कर दीजिए, और आपके वीडियोज ऑन कर सकते हो तो वीडियो ऑन करके रखिएगा, सिर्फ म्यूट रखिएगा खुद को, आराम से श्वासों पे कंसंट्रेशन कीजिए, दीर्घ श्वसन कीजिए, चरक संहिता बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, आपके हृदय के पास लीजिए एंड जस्ट फील द लिरिक्स। आवाज आ रहा है? एनीवन प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, आवाज आ रहा है? फील द लिरिक्स। ओके कैसा लग रहा है? इजंट इट माइंड ब्लोइंग? आवाज आ रहा है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। यस, इट्स रियली वंडरफुल, इट्स मैजिकल। तो आइए कौन सा महाकाश देखेंगे अभी? कौन सा महाकाश देखना है? या देखने की जरूरत है बाकी के महाकाश? आपको सेंट्रल आइडिया तो आ ही गई है। डू यू रियली वॉन्ट मी टू स्पीक और इज इट इनफ? बिकॉज इट इज नथिंग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी कर सकता है ये, मैंने किया है। एनी वन कैन डू दिस इन अ फार बेटर वे दैन वॉट आई हैव डन। यू हैव टू डी कोड ईच एंड एवरी महाकाशाय। दो तीन दिन ले लीजिए आराम से, कोई घाई नहीं है। एक एक महाकाशाय को जब टाइम मिले बना के रख दीजिए ऐसे चार्ट्स, और जैसे जैसे जिस द्रव्य का जो दिखते चले जाता है वो ऐड करते चले जाइए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चरक क्लैरिटी ओशन में कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आती चली जाएगी कि किस महाकाशाय को कब कहाँ कैसे यूज करना है। राइट, डिफरेंस बिटवीन शूल एंड वेदना स्थापन महाकाशाय। शूल जो है ये कोष्ठ से रिलेटेड है, कोष्ठ ये बहुत बड़ी व्याप्ति है। फिर से स्थानानी आम अग्नि पकवाना मूत्रस्य रुधिरस्य च रुदुंडुक फुफ्फुसश्च कोष्ठ इति अभिधीयते। तो ये जो सब कोष्ठांग है इन जहाँ जहाँ पर शूल है वहाँ पर शूल प्रशमन काम करेगा। अफकोर्स जो हमने लॉजिक बताए हैं किस प्रकार से आपको अव्ययगामित्व का विचार करना है उस प्रकार से वो काम करेगा। वेदना स्थापन इज मोर रिलेटेड टू मध्यम मार्ग। वेदना स्थापन की आप द्रव्य निकाल के देखोगे तो मध्यम मार्ग की चिकित्सा यदि आप देखोगे तो उसमें रुक्षण कर्म बताए गए हैं। रुक्षण प्रधान कर्म है, मर्म रोगों की चिकित्सा। यदि आप मर्मों पे काम करना है आपको तो आपको रुक्षण कर्म करना है, और रुक्षण कर्म यदि करना है तो रुक्ष उत्तम रस यूज करना पड़ेगा। तो रुक्षोत्तम ये कौन सा रस है? तो ये कषाय रस है। कषाय रस जो है ये इसकी संहिता की चिकित्सा की स्टार्टिंग जो है ये कषाय रस से होती है। कषाय रस प्रधान द्रव्य हरितकी से होती है। हरितकी ये मध्यम मार्ग का या हरेक के ऊपर काम करता है हरितकी तो, लेकिन खास करके मर्मग रोगों के ऊपर हरितकी बहुत अच्छा काम करती है। तो क्योंकि रुक्षण कर्म क्यों करना है वहां पर, क्योंकि क्लेद की संप्राप्ति बहुत ज्यादा दिनों तक होने की वजह से शरीर में उन अवयवों में शैथिल्य हो जाता है मर्मों में, और इसीलिए वहां पर रुक्षण कर्म से आपको रुक्षण कर्म करने वाले रसायन द्रव्य जो मर्मों पे जाते हो इस प्रकार से गामित्व की लिंक बनाते हुए
उन द्रव्य को आपको चॉइस करना है होता है. ओके एनीथिंग यू एल्स वांट टू आस्क, या तो फिर मैं अपने हिसाब से जाता हूँ. चैट बॉक्स में कुछ टाइप कीजिए यदि आपको कुछ पूछना है तो, अदरवाइज आई विल गो बाय माय ओन स्पीड और द वे आई एम कंफर्टेबल विथ. राइट सो ओके फाइन फाइन. पढ़ते हैं अभी लेखनीय महाकाशाय. थर्ड मुस्ता कुष्ठ हरिद्रा दारु हरिद्रा वचा अतिविषा कटुरोहिणी चित्रक चीरबिल्व हेमवती इति दशमानी लेखनीयानि भवन्ति. अगेन अप्लाई योर लॉजिक कि लेखन कर्म कहाँ कहाँ पर अपेक्षित होगा, क्या कौन सी कंडीशन पर लेखन करना जरूरी है, पहले ये ढूंढना है, सोचना है. ठीक है मेड वेरी नाइस एथेरोस्क्लेरोसिस गो ऑन एवरीवन. मेद से बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे बाहर भी ढूंढिए कहाँ कहाँ पर लेखन जरूरी हो सकता है. क्लेद है. हर एक महाकाशाय का फर्स्ट द्रव्य भी आपको देखना है. फर्स्ट द्रव्य जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. कैप्टन ऑफ द टीम होता है. सेकंड द्रव्य वाइस कैप्टन ऑफ द टीम होता है. चरक की स्पेशलिटी है कि उसने जो द्रव्य लिखे हुए हैं वो उस क्रम से लिखे हुए हैं. बाकी के द्रव्य का उतना नहीं है, बाकी के क्रम ऐसा नहीं है, लेकिन पहले दो द्रव्य हैं वो अमूमन आर दी मेजर. उनके हाथ में स्टेयरिंग है उस महाकाशाय का, वो उस महाकाशाय को चलाते हैं और बाकी के जो है वो उन दोनों के हिसाब से काम करते हैं. राइट अर्बुद वेरी नाइस फैंटास्टिक. तो लेखन बहुत बहुत जगह पर अपने को करना होता है. लेखन मतलब खुरेदने की क्रिया. तो खुरेदना कहाँ पर होगा? कफ को भी खुरेदना पड़ता है, पित्त को भी खुरेदना पड़ता है ना, बहुत जगह पर खुरेदना पड़ता है. अब इसमें एक द्रव्य आया है हरिद्रा दारू हरिद्रा हरिद्रा द्वय. ये हरिद्रा द्वय कहाँ पर आग्रह है, कौन बताएगा? हरिद्रा द्वय किसमें आग्रह आया हुआ है? प्रमेह में. राइट नाइस. सो मेहेशु धात्री निशा, ये बागभट का श्लोक है. तो इसमें कोई लोग इसे द्विवचन भी लेते हैं, मेहेशु धात्री निशे करके. तो हरिद्रा और दारी हरिद्रा भी लेते हैं. अब लॉजिक देखिए, दिस इज द ब्यूटी, दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स. हरिद्रा तिक्त रस है, वायु और आकाश महाभूत है, अमल की अम्ल रस प्रधान है, पृथ्वी और तेज है. पृथ्वी तेज वायु आकाश, रस कौन सा बचा? जल. जल महाभूत उसमें नहीं है, इसीलिए क्लेद प्रधान संप्राप्ति वो काम करता है, इसीलिए वहां पर अग्र है. ये एक सिंपल रस के हिसाब से लॉजिक. कैसा लगा आपको? डू यू एग्री विथ मी? फिर बात गामित्व का विचार तो बहुत बात की बात है. कौन कहाँ कैसे काम करेगा, प्रभाव से, रस से, वीर्य से, विपाक से. सिंपल महाभूत से भी आप इतना समझ सकते हो कि हरिद्रा दारु हरिद्रा इस प्रकार से काम करेगा. लेखन प्रमेह में करना ही होता है, कफ का करना ही होता है. और हरिद्रा दारु हरिद्रा यदि प्रमेह वे है काम करने वाले तो वो कफ प्रधान दोषों पर काम करेंगे. प्रमेह सिर्फ कफ का व्याधि नहीं है, त्रिदोषज व्याधि है, कफ प्रधान व्याधि है. तो हरिद्रा दारु हरिद्रा ये कफ प्रधान दोषों का संगात भेद करने का काम करते हैं. एक रेफरेंस आया है शायद केशव पद्धति करके ग्रंथ है, वहाँ पर दारु हरिद्रा और हरिद्रा इसका लेप बताया है बाहर से खालित्य में. तो ये भी हमेशा ध्यान में रखना है. इसका बाह्य प्रयोग भी हम कर सकते हैं इन सभी द्रव्यों का, कषायों का भी. अभ्यंतर प्रयोग, बाह्य प्रयोग, सिद्ध घृत, तेल, बस्ती, नस्य, वॉट एवर यू वॉन्ट. जहाँ पर जिस मार्ग पे, जिस अवयव पे काम करना है वैसे आप यूज़ कर सकते हो. दारवी और हरिद्रा ये खालित्य में लेप है. तो जहाँ जहाँ पर खालित्य ये श्लेष्म शोणित पित्त विबंध की वजह से हो रहा है, या रस धातु स्थूल है, रस धातु अच्छा नहीं बना है, इसकी वजह से रोम कूपों का पोषण नहीं हो रहा है, उसकी वजह से यदि हो रहा है तो सिंपल दारवी और हरिद्रा का लेप यदि आप देते हो ऐसे भी या गौमूत्र से, तो स्थानिक लेवल पर वहाँ पर लेखन कर्म होकर रोमकूप जो है वो विविक्त हो जाएंगे, विवृत्त हो जाएंगे और वहाँ पर आहार रस प्रियन का काम कर कर फिर केशों की निर्मिति फिर से होना शुरू हो जाएगा. तो इस प्रकार से आप अलग अलग लॉगेज को यूज़ कर सकते हो. पीसीओडी में आप यूज़ कर सकते हो, एथेरोस्क्लेरोसिस में है, स्थौल्य में तो है ही. इसके बहुत सारे द्रव्य, ये व्योषादि सत्तु नाम का एक बहुत सुंदर पेय आया हुआ है चरक सूत्र 23 में, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. राइट जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक द चैट बॉक्स. अब
आपको कुछ पूछना है तो पूछे। नासा हर्षल लोकली डेफिनेटली। अब इसमें से नासा पे गामित वाला द्रव्य ढूंढिए कौन सा हो सकता है, ये 10 में से आप ढूंढिए। नहीं मिलता है तो शिरो विरेचन में से कौन सा द्रव्य आया हुआ है वो ढूंढिए। शिरो विरेचन में भी पहला वर्णन किस द्रव्य का आया हुआ है इन 10 में से वो ढूंढिए, और फिर उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो वचा जैसा एक द्रव्य वहां पर आया हुआ है जो प्रतिष्ठा पे काम करता है, तो उसका बाह्य लेप आप कर सकते हो। जी हाँ, फैंटास्टिक, यस, दिस इज द वे टू गो अबाउट इट। ठीक है, उसके बाद चीर बिल्व एक द्रव्य यहाँ पर आया हुआ है लेखनीय में। चीर बिल्व जो है ये पित्तार्श में आया हुआ है। बहुत बार अर्श की ट्रीटमेंट हम करते हैं ना, पित्तार्श अर्श या रक्तार्श के लिए हमारे पास द्रव्य बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें लेखन तो करना है लेकिन पित्त का दिल दुखाना नहीं है, है ना, क्योंकि पित्तम जामातुरम इव ऐसा कहते हैं। पित्त की ट्रीटमेंट जमाई की तरह करनी चाहिए, वो उसको अगर ठेस लग गई तो बहुत नुकसान करेगा, इसलिए आराम से उसको थप्पड़ मार भी दो लेकिन पता भी न चले, इस प्रकार से उसका सौम्य तरीके से शोधन करना होता है। तो चीर बिल्व एक ऐसा अर्शोगामी द्रव्य है, खासकर पित्त जर्श पे काम करने वाला। मेहजित भी है तो पूरा अपान क्षेत्र कवर कर लेता है। बहुत बार ऐसे पेशेंट ही दिखते हैं जो मेह और अर्श इस कॉम्बिनेशन से काम करते हैं, तो वहां पर चीर बिल्व जैसा द्रव्य आप दे सकते हो, राइट। अभी देख लेते एक बार भेदनीय। सुवाहा, उरुबुक, अग्निमुखी, चित्रा चित्रक, चिरबिल्व, शंखिनी, शकुलादनी, स्वर्णक्षिरणी, दशमानी, भेदनी आणि भवंती। अब इसमें और डिटेल किसी को जाना है तो एक एक शब्द ही वैसा क्यों आया है वो भी आप ढूंढ सकते हो। जैसे उरुबुक वर्ड आया है एरेंडमूल के लिए, तो उरुबुक ही क्यों आया है, तो महावातम शमयति इति उरुबुकः। बहुत बड़ा वात यदि किसी को कम करना है शरीर का, महावात व्याधि जैसा, तो वहाँ पर उरुबुक इस अर्थ में आया हुआ है। तो ऐसे हर एक शब्द के अपने एक मायने होते हैं, वो भी आप ढूंढ सकते हो। इनके अलग अलग श्लोक विधि कैसे ग्रहण करना है इन द्रव्य को, वो आप वृक्ष आयुर्वेद से ढूंढ सकते हो। यदि आप ज्योतिष से इसको लिंक करना चाहते हो तो उस व्यक्ति का, जो पेशेंट आपके पास है उसकी राशि कौन सा है, उसका नक्षत्र कौन सा है, उसके हिसाब से हर एक का द्रव्य दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए सिंह राशि है तो उसका पलाश द्रव्य है पूर्वा नक्षत्र का, तो पलाश द्रव्य कौन कौन से महाकषाय में है ये ढूंढ के उस व्यक्ति को वो सूट होता है या नहीं, इस प्रकार से भी आप उसको देख सकते हैं। और ये एक अतिदेश तंत्र युक्ति से, सॉरी प्रसंग तंत्र युक्ति से, अभी प्रसंग आया है तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ज्योतिष में भी ले चलता हूँ। व्हाट यू कैन डू इज, आपका जो भी कोई पेशेंट होगा उसकी राशि आप ले लीजिए, राशि, नक्षत्र, जन्म तारीख, जो भी कुछ है उसकी कुंडली बना के रख लीजिए, या तो इफ यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ पेशेंट्स, या आप मुझे भी भेज सकते हो वैसा, क्योंकि मैं उस पर अध्ययन करता हूँ अलग तरीके से। तो मैं आपको एक ऐसा द्रव्य दूंगा जो उसके लिए बना है, उस राशि के लिए। तो उसका आप यूज़ कैसे कर सकते हो, या तो उसको उस द्रव्य का प्लांटेशन करने के लिए बोलिए, ये दैव व्यपाश्रय है, वो द्रव्य उस राशि के लिए है, उस राशि का जो स्वामी है वो उसकी अच्छे से केयर करे, इसलिए उस द्रव्य को आपको प्लांटेशन करना है। और उसका एक दान होता है, किसी को अन्नदान, किसी को तांबे का दान, उस प्रकार का दान आप उसे करने को बोल सकते हैं। या तो आपको लॉजिक के हिसाब से ही जाना है, तो मान लीजिए नागकेशर द्रव्य आ गया, तो वो नागकेशर उसको सूट होता है यदि आपके लॉजिक से, तो उसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज लीव द थॉट असाइड, इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल टू यूज इट कंपलसरी। राशि के जो ड्रग्स हैं वो एक कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे, दाते पंचांग करके आता है, उसमें एक अवकहड़ा चक्र करके होता है, उस चक्र का यदि मैं आपको बाद में फोटो भेज दूंगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा यदि आपको नहीं मिलता है तो वहां पर हर एक राशि के नक्षत्रों के नाम, 27 नक्षत्र, और नक्षत्र के चरण स्वामी भी होते हैं, और हर एक नक्षत्र के लिए कौन सा दान करना है ये करना है, वो सब दिया हुआ रहता है। जिस किसी को ये चीज़ों के ऊपर बिलीफ नहीं है उनके लिए बता दूं कि दैव उपाश्रय, ये हम लोगों का, हमने अध्ययन किया है विचार क्लियरिटी के ओशन नंबर से, कि दैव उपाश्रय चिकित्सा इज द फर्स्ट चिकित्सा दैट इज मेंशनड इन आयुर्वेद बाय चरक, और उसकी फलश्रुति, उसके जो चक्रपाणि कॉमेंट्रीज है अध्याय 1 में और अध्याय 11 में, वो क्लियर कट मेंशन करता है कि सद्यो अक्लेशेन हंती, इससे इमीडिएट पेन रिलीफ होता है, सद्यो व्याधि प्रशमकत्वात्, जल्द से जल्द व्याधि का निर्मूलन होता है यदि आप दैव उपाश्रय यूज करो तो। लॉजिक भी यही कहता है, सभी व्याधियों का मूल प्रज्ञापराध है, प्रज्ञापराध का मूल अधर्म है, अधर्म इस जन्म का नहीं तो पूर्व जन्म का भी अधर्म है, अधर्म को नाश करना है तो आपको उन दिव्य वनस्पतियों से कनेक्ट करना होगा जो उस राशि से रिलेटेड है। ये आप कर पाओगे तो और मूलगामी ट्रीटमेंट होगी, और उसको युक्ति से जोड़िए, उसको भी ब्लाइंडली मत यूज कीजिए, उसको भी युक्ति के साथ ही जोड़िए, तो डेफिनेटली बहुत एक्सेलेंट परिणाम होते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं जो इस प्रकार से ठीक हुए, रादर आई यूज इन एवरी वे, इससे हमारा पुण्य का भी अर्जन होता है। आपको क्या बिगड़ता है, हर एक पेशेंट को बोल दीजिए ना
कि आप इस ट्री को प्लांटेशन कीजिए, नहीं कुछ तो एटलीस्ट प्लेसेबो तो इफेक्ट आएगा, राइट? इन दिस वे विल बी सर्विंग द नेचर ऑल्सो। हर एक पेशेंट को आपको बोलना ही है आप ये दान कीजिए, उसकी नाड़ी देख लीजिए, उसको बोलिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका ठीक नहीं होगा। डबल वे इट विल बेनिफिट यू, एक सोशल सोसाइटी में भी उसका अच्छा ये जाएगा, आपका अच्छा रसायन का भी सेवन हो जाएगा, राइट? और नहीं कुछ हुआ तो प्लेसेबो से तो पेशेंट को इफेक्ट आना ही आना है, उसको तो लगेगा ही कि इसकी ये करने की वजह से कुछ फर्क हो रहा है, राइट? इजंट इट अमेजिंग? टाइप इन द चैट बॉक्स। यस, आयुर्वेद को आप जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल कर सकते हो, जितना कॉम्प्लिकेट चाहो उतना कॉम्प्लिकेट कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी विद इट, यू कैन जस्ट प्ले विद इट इफ यू लव इट। तो सुवाहा उरुमुख अग्निमुख चित्रा चित्रक चिरबिल्व शंखिनी शकुलादनी स्वर्णक्षीरिणी दशेमानी भेदनियानी भवंती। कुटकी ले लीजिए, सबकी फेवरेट द्रव्य है कुटकी। कुटकी का रेट कितना चल रहा है मार्केट में कौन बताएगा? डेफिनेटली सुपर से भी ऊपर है, इट्स जस्ट फन। 2800 रुपए किलो, बढ़िया है बढ़िया है। सो इज इट रियली वर्थ यूजिंग कुटकी या उसका सब्स्टिट्यूट यूज करना चाहिए, क्या लगता है आप सभी को? क्या वाकई कुटकी इतनी जरूरी है हमें? भेदनीय महाकषाय में है, लेखनीय महाकषाय में है, वो और भी द्रव्य है, क्या कुटकी चाहिए ही आपको, क्या लगता है? ठीक है, सभी को चाहिए तो मान के चलते कि कुटकी इज वन ऑफ द वेरी प्राइसलेस मेडिसिन इन आयुर्वेद। ज्ञानेश्वरी में लिखा है, कुटकी देती गुना बापा वाजबिता चुटकी। चुटकी में रिजल्ट देती है कुटकी, ये पावर कुटकी में है। वृद्ध वैद्य यूज किया करते थे इसको उदर के पेशेंट्स में, सिर्फ कुटकी के कषाय पे रखते थे उदर के पेशेंट्स को, एक एक लीटर कुटकी का कषाय दिन भर में, या कुटकी क्षीरपाक। मैं उतनी डेयरिंग नहीं कर पाया कुटकी कषाय पे रखने की, तो मैंने कुटकी का क्षीरपाक यूज किया है उदर के पेशेंट्स को, और बहुत सुंदर विरेचन भी होता है, शोधन भी होता है, और दूध की वजह से बल हानि भी नहीं होती है। उदर का सिद्धांत ही है, उदर व्याधि का सिद्धांत है ब्रूहण शोधन। ग्रहण भी करना है, शोधन भी करना है, क्योंकि बल हानि भी नहीं होने देनी है। तो जहां जहां पर ग्रहण शोधन की अपेक्षा है वहां पर आप ऐसा यूज कर सकते हो। कुटकी रक्त पाचक में है, मांस पाचक में है, सॉरी रस पाचक में है, रक्त पाचक में है, तो डेफिनेटली रस रक्तगामी है। कुटकी रुद्ध है, ये बात मत भूलिएगा, तिक्त रस होकर भी रुद्ध है। त्रायमाना यूज किया जाता है उसके बदले में, लेकिन आई थिंक कुटकी शुड बी यूज बिकॉज ऑफ द रीजन व्हिच आई एम टेलिंग नाउ। रस रक्त पाचक है, रुद्ध है, भेदनीय है, लेखनीय है, वृक्ष है, शीत है। कुटकी भेदनीय, लेखनीय, रुद्ध, रस रक्त पाचक, वृक्ष, शीत। जस्ट विजुअलाइज नाउ, आप कहाँ कहाँ पर यूज करोगे इसको, टाइप करते जाइए चैट बॉक्स में, सोचते चले जाइए, बिना सोचे आगे नहीं बढ़ सकते, सोचने से ही प्रज्ञा की विशुद्धि होती है। और डेफिनेटली पारायण इज द बेस्ट टू इट। यकृत विकार, ये तो अभी मॉडर्न से आया हुआ है, बिकॉज कुटकी इज अ कोलेगॉग एजेंट, इसकी वजह से हम उसको यकृत में यूज कर रहे हैं। साक्षात उल्लेख ऐसा बहुत कम जगह पर है कुटकी का कि वो यकृत विकारों में यूज करना है। चरक उसे भेदनीय, लेखनीय, रुद्ध कहते हैं, वायु प्रकाश से रुद्ध कहते हैं, रस रक्त पाचक कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस वंडरफुल ड्रग, हृदय है, रस रक्त पाचक, वेदन, लेखन सब करेगी, फिर भी हृदय की रक्षा करेगी, संदर्पण विकार में यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली परफेक्ट। स्थूल्यजित तो फलश्रुति में ही है उसके। वृक्ष है, शीत है, वृक्ष है, इसके वजह से शोषण भी करेगी, भेदन भी करेगी, लेखन भी करेगी, लेकिन हृदय और शीत होने की वजह से आह्लादन भी करेगी, दुख नहीं पहुंचाएगी शरीर को उतना, व्याधियों को दुखी करते हुए सुख से दोषों को बाहर निकाल देगी, राइट? दिस इज द वे यू कैन यूज इट। अर्बुद भी यूज कर सकते हैं, बाह्यतः लेपन भी कर सकते हैं कुटकी का आप, जैसे अभी मैंने एला और पिप्पली मूल, ये दीपनीय में बताया था रुद्र रोग के लिए, तो आप उसका लेप तक कर सकते हैं, एला पिप्पली कुटकी, सिद्ध क्षीरत सिद्ध तेल बना के रखिए, रुद्रबस्ती कीजिए, उसमें थोड़ा यवक्षारम डाल दीजिए, इमरजेंसी में हार्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, लेप लगा के रख दीजिए उसका, यू कैन यूज दिस। प्रधानम अत्र भिषकम, भिषक प्रधान है, यदि उसका कॉन्फिडेंस हाई है बिकॉज ऑफ अध्ययन, झूठा कॉन्फिडेंस नहीं, तो द्रव्य वो जैसा बोलेगा वैसे काम करते हैं, क्योंकि द्रव्य भी तो बेताब है कुछ अच्छा काम करने के लिए, वो भी तो चाहते हैं कि सही व्यक्ति मिले, उसे सही व्याधि उसे मिले, ताकि वो भी अपने मोक्ष की जर्नी को पा सके,
वो भी तो आतुर है सही पेशेंट के सही वैद्य के हाथ में आने के लिए, ताकि वो सही आतुर तक पहुंचकर अपना काम कर सके। आपका लेवल बढ़ाना है। सब्स्टिट्यूट द्रव्य दिए हुए सर भाव प्रकाश में कि किसके लिए क्या क्या है, वो आप यूज कर सकते हो। उसका लॉजिक एग्जैक्टली क्या है वो मुझे भी नहीं पता कि व्हाई दे हैव गिवन दो सब्स्टिट्यूट्स। आई नीड टू स्टडी मोर अबाउट दैट, देन आई गेट टू यू डेफिनेटली। यस, नेहा बता रही है ज्वर में। आप जो भी कुछ बता रहे हो आपके लॉजिक से बता रहे होंगे, सही बता रहे हो उसमें। और आप सोचिएगा, और डिटेल में डीप में जा सकते हैं आप। या आई क्लिनिक से मांग आई है, हाउ कैन वी मेक इट पैलेटेबल कुटकी को। वैसे है तो रुद्र पैलेटेबल होनी चाहिए, हम लोग ही डरते हैं उसे बच्चों में देने के लिए, हमें लगता है कि वो नहीं लेंगे, वो लेंगे, लेते हैं। और उसको आप जोड़ दीजिए आम्लवेतस से, अनारदाना पाउडर डाल सकते हो उसमें, चाटन दे सकते हो, शहद डालकर उसको चाटन दे सकते हो बच्चों को। वंडरफुल वंडरफुल काम करेगी बच्चों में तो, और भी अच्छा काम करेगी। सिर्फ रुक्ष है तो, अति रुक्ष भी ना हो, बच्चों में बहुत स्निग्ध भी नहीं चाहिए, बहुत रुक्ष भी नहीं, मध्यम, हर एक का मध्यम 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 आप ऐसा दे सकते हो। हाँ, अनुलोमन श्रवणसन, हर एक का अलग अलग रोल है। मल को पकवा, पकवा मल को बाहर निकालना है तो अनुलोमन करना है, उसका मल को पकवा करके बाहर निकालना है तो श्रवणसन देना है। जी, कुटकी चिरायता का सेवन कुछ लोग करते रहते हैं, उन्हें जिंदगी में कभी ज्वर नहीं आता, ये भी तो गलत बात है। लेकिन कुटकी चिरायता ऐसे ही सेवन नहीं करना है, तिक्त रस है उसको, तिक्त रस अधिक सेवन करना नहीं है, जब मौका आए जब तभी उसको सेवन करना है, वो कोई नित्य सेवनीय द्रव्य नहीं है। एक ऑप्टिमम अमाउंट में आप तिक्त रस का सेवन कर सकते हो, उसे ज्यादा नहीं करना है। कामला में प्रिया मैम कह रही है, डेफिनेटली इट इज वेरी नाइस, कुटकी तो काम करती है कामला में। अभी आपको आयुर्वेद में कम कहा गिर रहे हैं, तो मात्रा निश्चिति पर, एग्जैक्ट कितनी मात्रा में देना है, प्रिसीजन उसमें आना चाहिए। और कि इसको इतनी ही मात्रा में, हमें काल भी पता है कौन से काल में देना है, वो क्लियर कट है, मात्रा का कहीं पर भी वर्णन नहीं है। तो एग्जैक्ट कौन सी मात्रा पे देना है, सभी वैद्य अपने अपने अनुभव से यूज करते हैं। लेकिन एज अ वैद्य समूह यदि हम काम कर पाएंगे तो एक ही व्याधि को अलग अलग वैद्य यूज करेंगे तो शायद हम मात्रा का निश्चय भी कर पाएंगे कि इस देश में इस रुग्ण में इस मात्रा इस बेस्ट, इस प्रकार का कुछ आगे जाके प्रोजेक्ट लेकर और खूबसूरत काम हो सकता है। अश्मरी में है भेदन, वहाँ पर आपको अपेक्षित है, बिल्कुल अश्मरी में आपको करना ही है। जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल की उरुबुक, इसके पत्ते जो है, ये भाव प्रकाश में अलग रेफरेंस है कि कोमल पत्ते एरेंड के, यदि वो बस्ती शूल हरम परम है, मूत्रकुच्छ पे अश्मनी पे काम करते हैं, भेदन करते हैं, उसको आप दे सकते हो, उसको घृत के साथ भी दे सकते हो। मैंने खुद नॉट एरेंड बट घृत का सेवन किया हुआ है, मुझे अश्मरी हुआ था और ग्रीष्म ऋतु में हुआ था, रामोजी फिल्म सिटी में गया था, वो देखना तो बाजू में रह गया, लेकिन उसी दौरान अश्मरी का अटैक आया और ट्रिमेंडस पेन, शूल सब कुछ ले लिया, पेन किलर लिया, ये वो कम नहीं हो रहा है, कुछ दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। तभी घर पे आया, पेन वैसे ही, ग्रुत लिया 10-10 ml शतावरी ग्रुत, पेन वैसे ही, कुछ नहीं हुआ। देन देखा कि ग्रुत को उत्तम मात्रा में लेना चाहिए, मूत्र ग्रुच में आदि लोगों में 50 ml तक ग्रुत ले लिया, इमीडिएट वमन हुआ, इमीडिएट पेन विद इन 5 मिनट्स कम हो गया, और फिर से कम हुआ तो अब तक वो आया नहीं है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद, राइट। यस, औपीडक ग्रुत जैसा ही कुछ किया था। आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, भेदनीय द्रव्यों को सिद्ध घृत बना लीजिए उसका, और पित्त अश्मरी में यूज कीजिए या अश्मरी के पेशेंट्स में यूज कीजिए। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी तो आप एक एक द्रव्य से सिद्ध घृत बना के रख सकते हो। मधुपर्णी सिद्ध घृत, मधुपर्णी सिद्ध एरेंड तेल, अंबष्टकी सिद्ध नारिकेल तेल, इस प्रकार का प्रिसाइज, एब्सोल्युटली प्रिसाइज आप जा सकते हो और उसको वैसा वैसा करके दे सकते हो, राइट। नाउ संधान, यानी संधान या महाकषाय के ऊपर तो लेक्चर भी है, हर्षल वैद्य चैनल पे आपको मिलेगा, संधान या महाकषाय बस टाइप कीजिएगा, पूरा लेक्चर है वहाँ पर, तो उसके डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं। इतना बता दूं कि संधान या महाकषाय चरक सूत्र 15 में पहला महाकषाय वर्णन किया है कि प्रैक्टिस शुरू करने के बाद कोई पहले कौन सा कषाय उसे रखना चाहिए, तो संधान या महाकषाय यूज करना चाहिए पहला, क्योंकि संधान का अर्थ सिर्फ भग्न संधान इतना नहीं है, धातु संधान एक उसका अर्थ गंगाधर ने दिया है, दूसरा अर्थ है दो दिलों को जोड़ना, दो मनों को जोड़ना, पेशेंट की और वैद्य की वृत्तियों को जोड़ना, ये संधान का एक अर्थ होता है, और ये दिव्य औषधि उस लेवल तक भी काम करती है।
पहले दो द्रव्य भी देख लीजिए उसके अद्भुत है, मधुक और मधुपर्णी है। नाम भी मधुक है, यष्टि मधु नहीं दिया है, नाम भी गुड़ूची नहीं दिया है, मधुपर्णी दिया है। मधुक और मधुपर्णी जो प्यार से जोड़ने का काम करती है वो मधुक और मधुपर्णी है, ऐसी प्यारी दवाइयाँ इसमें दी हुई है। सोचो यष्टि और गुरु जी साथ में मिल जाए तो क्या क्या कर सकती है, स्काई इज द लिमिट। तो क्या हम मेरे और पेशेंट के दिल को नहीं जोड़ सकती, बिल्कुल जोड़ सकती है। मधुक और मधुपर्णी ले लीजिए 100 100 ग्राम, 100 ग्राम सीतोपलादी डाल दीजिए उसमें, और ब्रह्म दक्षाश्वी इस मंत्र से उसको खल करते रहिए। आपके क्लिनिक में ही रखिए चीज चीज को, और दिन भर जब समय मिलिए तब उसे खल करते रहिएगा। पेशेंट जब आपके पास आए तो हिस्ट्री लेते हो, हिस्ट्री लेने के पहले एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो एक चुटकी जो मधुक मधुपर्णी और सीतोपराजी का कॉम्बिनेशन है उसे दे दीजिएगा, एक चुटकी आप भी ले लीजिएगा, और फिर हिस्ट्री लेना चालू कीजिएगा। ऐसा कुछ दिन आप कीजिए, पेशेंट के सिम्टम्स में भी तो रिलीफ मिलेगा ही, आपके साथ उसका जुड़ाव और लगाव भी बढ़ेगा। यू बिलीव मी और नॉट, ऐसी चीज़ें होती है, इसके पीछे लॉजिक भी है और दैव भी है, वॉट एवर यू मे कॉल इट, डिफरेंट डायमेंशन आर देयर टू इट। ओके फैंटास्टिक, टाइप इन द चैट बॉक्स, बकवास बकवास टाइप कर दीजिए एक बार, आपको यकीन नहीं हो रहा है इसलिए, कोई तो बोलो यार बकवास, या कोई तो डिसएग्री करो जो मैं बोल रहा हूँ उससे, सब एग्री करो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। एवरीवन एग्री, अमेजिंग, काम बहुत इजी हो गया फिर तो, राइट। फिर अभी आते हैं 6th महाकषाय पे, जो कि है दीपनियानी। यहाँ पर जो दीपनीय द्रव्य है सभी कटु द्रव्य है या अम्ल द्रव्य है, ये साक्षात अग्नि को दीपन करने वाले हैं। दीपन कर्म बहुत ब्रॉड कर्म है, दीपन कर्म बहुत सर एक क्वेश्चन पूछना था, पूछे पूछे, हेलो, हाँ पूछे ना मैम। सर दीपनीय गण, दीपनीय महाकषाय और शूल प्रशमन महाकषाय, इसमें के आधे द्रव्य जो है वो एक जैसे है, बिल्कुल हाँ, तो उस पर आप सर एलाबोरेशन। हाँ देखिए, शूल जो वर्ड आया है ना, तो आयुर्वेद में शूल कोष्ठ से रिलेटेड ही आया हुआ है, कोष्ठ शूल इस अर्थ में ही शूल वर्ड यूज किया गया है। तो ये द्रव्य और दीपन कर्म भी कोष्ठ से रिलेटेड ही है ज्यादा, क्योंकि हम अभी मंद बुद्धि के स्तर पर है तो कोष्ठ तक ही उसको सीमित रखेंगे। उसको हम एक्सप्लोर करेंगे द्रव्य को, तो समझ में आएगा कि ये धातुओं पर भी, महाभूतों पर भी, अग्नियों पर भी दीपन करता है। उन जैसे कि मैंने मृद भक्षण का एग्जाम्पल दिया कि इसमें से कुछ द्रव्य जो है वो पृथ्वी महाभूत की अग्नि को दीपन करेंगे, तो ये आपको ढूंढना है उन अध्याय में जाकर वो लेकर। लेकिन ये बेसिक सिंपल सिंपल पंचकोल है, पिपली पिपली मूल चब्दक चित्रक नागरी, हर जगह आप यूज करो ना इसे, कोई क्या प्रॉब्लम है उसमें। कोई भी पेशेंट आ जाए आपके पास, कहीं ना कहीं उसका अग्नि मंद है, आम अवस्था है ही, और ऐसा नियम है आयुर्वेद में कि बृहस्थ मृदुलंग है, यदि पेशेंट ब्रूहणारह भी है तो उसे शुरुआत में लंघन देना है, दीपन पाचन देना है, तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती है। तो आप ऐसे पेशेंट को कुछ दिन के लिए संसर्जन क्रम के आहार पर रखिए। जो पेशेंट आपके पास आ जाए 5 दिन उसको संसर्जन क्रम आहार दे दीजिए, पंचकोल आसव दे दीजिए, पंचकोल फांड दे दीजिए, या पंचकोल सिद्ध यवागु दे दीजिए। कुछ नए बच्चे जुड़े हुए हैं, यवागु कैसे बनानी है, सिंपल पंचकोल ले लिया 5 ग्राम, 650 ml पानी ले लिया, उबाल के 350 ml कर दिया, और इस 350 ml पानी में आपको चावल सिद्ध कर लिए, और उसका जो पानी है वो आपको पीने के लिए देना है उसे। इसके साथ या तो आप ज्वारी की रोटी या ऐसा कुछ भी दे सकते हो, यदि उसको शुधा कंट्रोल नहीं होती है तो। पित्त प्रधान व्यक्ति है तो उसमें ये प्रयोग मत कीजिएगा, पित्तानुबंध होगा तो उसमें आप सिर्फ चावल की यवागु ये कटु द्रव्य मत यूज कीजिए। तो उसको आप जो दीपन पाचन गण आया हुआ है अतिसार चिकित्सा में, उसमें के कुछ द्रव्य जैसे शालीपर्णी है, तो शालीपर्णी इज वन ऑफ द बेस्ट दीपन पाचन द्रव्य, जो रुद्य भी है, तो सिर्फ उसकी सिद्ध यवागु आप उसे दे सकते हैं। या वो दीपन पाचन गण की जो द्रव्य है उसका सबका चूर्ण बना दीजिए, और उन पेशेंट को बोलिए जो भी आहार सिद्ध करोगे उसमें ये द्रव्य डालिए, या चटनी बनाकर खाइए इसको बीच बीच में खाते वक्त। ये दीपनीय द्रव्य को भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, इसको बना लीजिए, मिक्स कर दीजिए, और चटनी बना के घृत डाल के इसको खाने के बीच बीच में चटनी जैसा खाना है, टेस्टी भी लगेगा, क्योंकि कटु अम्ल प्रधान है, कटु अम्ल उत्कट रस इसमें है। यू कैन यूज इट वेरी इजीली, जो मिलते हैं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं नहीं मिलते हैं, बल्ला तक अस्थि यूज करने की जरूरत नहीं, इतना तीक्ष्ण द्रव्य। अम्ल वेतस मत डालिए, वृक्षाम्ल डाल दीजिए, अनारदाना डाल दीजिए, काम बन जाएगा।
ये एकदम कोर्स थिंकिंग हो गया, सिर्फ कोष्ठ से रिलेटेड। अभी इसको हमें लेके जाना है अलग अलग शाखागत मध्यम मार्गगत रोगों पर भी, तो ये विजुअलाइज करना होगा कि ये द्रव्य कैसे काम कर सकते हैं अलग अलग जगह पर। जैसे पिप्पली मूल का एग्जाम्पल दिया था, ये प्लीहा इसकी फलश्रुति में है, प्लीहा कहाँ कहाँ पर बढ़ती है, तो प्लीहा बहुत जगह बढ़ सकती है। प्लीहा इज द ग्रेवियर्ड ऑफ आरबीसी, रक्त वृद्धि में प्लीहा बढ़ती है, मेदक्षय में प्लीहा बढ़ती है, सीकेडी के पेशेंट्स में भी दिखता है, क्रोनिक कार्डियक फेलियर के पेशेंट में भी दिखता है। तो ऐसी सभी कंडीशंस में रक्त व स्रोतस पे काम करने के लिए, रक्त धातुवाग्नि पे काम करने के लिए पिप्पली और पिप्पली मूल ये बहुत ही खूबसूरत द्रव्य आप यूज कर सकते हो। निरामावस्था एक क्षीरपाक दे दीजिए, सामावस्था एक कषाय दे दीजिए, चूर्ण दे दीजिए, आसव दे दीजिए, पंचकोल आसव या पिप्पली पिप्पली मूल का आसव ऐसा भी मार्केट में मिलता है, वैसे भी आप दे सकते हैं। राइट, सो दिस इज रियली फैंटास्टिक। 5 मिनट्स में सेशन बंद होगा, अभी आपको और भी कुछ डाउट्स होंगे तो पूछ सकते हो मुझे। द्रव्य गुण सभी कॉन्सेप्ट्स के लिए एक वंडरफुल बुक है, JLN शास्त्री का द्रव्य गुण, 5 वॉल्यूम, 1600 रुपीज़ में आता है। यू कैन यूज दैट, यूज़ दैट बुक, फैंटास्टिक बुक है। बाकी भी वृक्षायुर्वेद है, हरीश पाटनकर सर का मराठी में एक बुक है दैट यू कैन यूज, बट आई विल रिकमेंड JLN शास्त्री फिलहाल, ताकि उसमें बहुत सारी चीज़ें कंसाइज फॉर्म में आई हुई है। और वैसे डायरेक्ट निघंटू यूज करोगे तो सबसे अच्छा। हाँ, धातु अग्नि कैसे बढ़ानी है, ये बहुत खूबसूरत प्रश्न है, इसके लिए हम अलग एक सेशन लेने वाले हैं। धातु पाचक, इसको कैसे यूज करना है प्रैक्टिस में, वहाँ पर ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। तो धातु अग्नि बढ़ाना मतलब क्या होता है और कैसे द्रव्य अलग अलग धातु अग्नियों पर काम करते हैं। राइट, हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं हाउ टू स्टडी अ सिंगल ड्रग, सिंपल चीज़ है, पिप्पली मूल ले लीजिए, सेंटर में लिख लीजिए लैंडस्केप पेपर में, उसके अलग अलग बार्स बनाइए, भाव प्रकाश उसके बारे में क्या बोलता है देखिए, धन्वंतरी निघंटू राज निघंटू क्या बोलते हैं देखिए, उसमें एक कॉमन थ्रेड ढूंढिए। रुद्य 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 वर्ड 3-4 लोगों ने मान डाला है तो समझिए कि वो हृदय पर उसके विशेष एक्शन है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। विरेचन उपक द्रव्य रसायन है, ऐसा कब बोला सर मैंने? I didn't get your question, sorry. कुछ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में था सर, वो ऐसे नहीं था। हेलो सर। हाँ 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 सर। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो ठीक है। हाइपर हाइड्रोसिस जैसा था केस, तो सर ने स्तंभक के द्रव्य दिए थे सर ने उस पेशेंट को, तो फिर सर मुझे ऐसा क्वेश्चन आया कि जैसे कि फिर बाद में उसका ऐसा सर्कुलेशन वगैरह, क्योंकि सर स्तंभक गुण है तो बाकी जगह भी काम करेगा, या कोई भी द्रव्य सिर्फ एक जगह पे ही जाके कैसे काम कर सकता, मतलब ऐसे वो सब डाउट था सर। तो इसमें कैसा रहता है, ये बॉडी की ऐसी टेंडेंसी होती है कि जबकि कोई व्याधि होता है और हम उसे द्रव्य देते हैं हमारे, तो अपने आप वो गामित्व उस जगह पे होता ही है उस चीज का, जहाँ पर जरूरत है वहां पर ही वो द्रव्य काम करता है। बिकॉज ये द्रव्य हमारे सिंथेटिक द्रव्य नहीं है, दे देमसेल्फ हैव देयर ओन ब्रेन, उनको खुद पता है, उनका एक इंटेलिजेंस खुद का भी होता है कि कहाँ पर जाके उनको विशेष काम करना है। और इसमें आप लॉजिक भी लगा सकते हैं, जैसे अभी आपको स्तंभन कर्म करना है तो स्वेद से रिलेटेड स्तंभन ऐसा कैसे आप दोगे, तो मेद पाचक देख लीजिए, किरात तिक्त अमृता चंदन विश्व भेषजम, चंदन जो है ये मेद पे विशेष काम करेगी, किरात तिक्त मेद पे विशेष काम करे, लेकिन किरात तिक्त की फलश्रुति देखोगे तो सरगुण आया है उसमें, तो किरात तिक्त मल का स्तंभन नहीं करेगा लेकिन स्वेद का स्तंभन कर देगा, इस प्रकार का लॉजिक उसमें ढूंढ सकते हैं। मिला आपको आंसर सर? आपको आंसर मिला आपके क्वेश्चन का?
कल्पयोग फलश्रुति सर बीच में हमने एक च्यवनप्राश पे ऐसा लेक्चर लिया था कि एक कल्प को कैसे डिकोड करना है ऐसे ही लॉजिक से, वैसे आगे एक अभिपत्ति कर चूर्ण महातिक्त घृत और भूनिम्बादि काढ़ा, ये तीन जो फेमस यूज किए जाते हैं वैद्यों में उसके ऊपर एक रखने वाले हैं, तो वहां पर वो डिटेल में समझ में आ जाएगा। जिस किसी को भी चरक क्लैरिटी ओशन इसमें ज्वाइन करना है वो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 9503504200, बहुत मजा आएगा आपको चरक सीखने में। एक 10 तारीख तक ही हम एंट्रीज ले रहे हैं, कोर्स ऑलरेडी चालू हो चुका है, उसके बाद एंट्रीज बंद हो जाएगी। सो डू ज्वाइन दिस कोर्स, इफ यू वांट एनी डिटेल जस्ट व्हाट्सएप मी, आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स ऑफ द कोर्स। एक्सक्यूज मी सर, यस 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 बोलिए मैम। सर इसी लॉजिक से ये भी समझा जा सकता है कि जब हम कोई पित्त शामक औषध देते हैं तो उससे बाकी के दोष डिसबैलेंस नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल राइट राइट ओके सर थैंक यू। एग्जैक्टली करेक्ट करेक्ट, ये मेरा फोन नंबर है, आप नोट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मी ओवर हियर। और भी आपको कुछ लेक्चर्स देखने हैं तो हर्षल वैद्य के चैनल पे आप मेरा सर्च कीजिएगा, बाकी भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं उससे रिलेटेड, आपको कोई भी डाउट्स होगा वो पूछिएगा। दिस इज बेसिकली माय मिशन की टू एम्पावर स्टूडेंट्स वैद्यस एंड टू लर्न एंड ग्रो एज अ वैद्य कम्युनिटी। सो इसमें कोई फाइनेंशियल मोटिव ऐसा एज सच मेरा है नहीं। हाँ डेफिनेटली इसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए कुछ कोर्स भी रखी हुई है ताकि आप लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो, बिकॉज ह्यूमन नेचर इज एज सच दैट वी वैल्यू मनी अलॉट, इसलिए आप भी उसमें जब मनी डालते हो तो एक अलग प्रकार का आप उसमें इन्वॉल्वमेंट देते हो, नहीं तो फिर बहुत कैजुअली लिया जाता है किसी चीज़ को राइट, इसलिए कुछ कोर्स की फी रखी हुई है। और मैं ये अनुरोध करूँगा आपसे कि आप शेयर कीजिए इस कंसेप्ट को भी, और जो आपको समझा है वो भी जितने लोग आप जानते हो ना, स्टूडेंट्स हो या किसी को भी, ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज देने से ज्ञान बढ़ता है कभी भी। और अध्ययन अध्यापन तद्विद्य संभाषा, दैट इज द ब्यूटीफुल वे ऑफ लर्निंग, जितना आप दूसरे को सिखाओगे उतना खुद समझोगे और ज्यादा समझते चले जाओगे राइट। तो टेक अवे मैसेजेस आपको है, कुछ बहुत खूबसूरत द्रव्य कॉम्बिनेशन आपको मिले हैं, एला पिप्पली मूल रुद्रोग में आप दे सकते हो, रुच्छूल में दे सकते हो, इमीडिएट कोई पेशेंट है आपके घर में ही है, रादर देन सॉर्बिट्रेट एला और पिप्पली मूल को बस रख दीजिए जबान पे, रख दीजिए नीचे, रख दीजिए जबान के नीचे, इमीडिएट विद इन 10 to 15 minutes सॉर्बिट्रेट जैसी एक्शन होती है। सिर्फ श्रद्धा चाहिए, युक्ति चाहिए। वृंद माधव डायरेक्ट बुक मिलेगा सर आपको, नेट पे टाइप कीजिए, आपको अवेलेबल है अमेज़न पे भी। थैंक यू जय पाजी। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों है, राहत इंदौरी कहते हैं। डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, कौन क्या बोलेगा, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, गो बाई योर ओन वे, रास्ता मिलता चला जाता है। छोटा एला लेना है, सूक्ष्म एला। व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब एपिलेप्सी में पूछ रहे हैं आप, एज पर महाकषाय और इन जनरल? इफ यू कैन